अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी और वो है हैदराबादी कड़क तला हुआ गोश्त, जो कि हैदराबादी खट्टी दाल के साथ सर्व किया जाता है। इसे बनाना जितना आसान है, ये उतना ही मजेदार बनता है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चले हैदराबादी कड़क तला हुआ गोश्त बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो बोनलेस मटन, ये बकरे का गोश्त है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। आप चाहे तो हड्डी के साथ भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका तला हुआ गोश्त बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हो तो आप बोनलेस मटन का ही इस्तेमाल करें। अब मैं चूल्हा ऑन कर लेती हूँ। अब हम हाई फ्लेम पर इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो गोश्त है वो अपना पानी छोड़ दे। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं लिड कवर कर दूंगी और फ्लेम मीडियम कर दूंगी। अब हम इसका लिड ओपन करेंगे। अभी भी गोश्त में थोड़ा सा पानी मौजूद है, हम उसे सुखा लेंगे। गोश्त का जो पानी था वो तमाम ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं अब इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। ये इससे बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप गोश्त का पानी सुखाने से पहले ही इसमें पानी डाल देंगे तो गोश्त मज़ेदार नहीं बनेगा। तो पहले जो गोश्त ने पानी छोड़ा है पहले आप उसे ड्राई कर लें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 गिलास पानी, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं इसे कवर कर दूंगी। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी, या उस वक्त तक जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और गोश्त का तमाम पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, ये तकरीबन 1/4 कप ऑयल है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब इस ऑयल में हम गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, ये मैं आपको गोश्त चेक करके बताती हूँ। देखिए गोश्त आराम से टूट रहा है। ऑयल आपने इसमें अच्छी क्वांटिटी में डालना है वरना गोश्त क्रिस्पी नहीं बनेगा। आप चाहें तो गोश्त को प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, उसमें टाइम तो कम लगेगा, लेकिन कढ़ाई में जो गोश्त हम गलाते हैं उससे गोश्त बहुत मज़ेदार बनता है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा करी पत्ता, करी पत्ते से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है तले हुए गोश्त में। करी पत्ते के साथ भी हम इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। गोश्त को हमने फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट से ही तले हुए गोश्त का मसाला तैयार होता है और ये बहुत मज़ेदार मसाला बनता है। तो इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो हमने अच्छी क्वांटिटी में डालना है। अब अदरक लहसुन के साथ भी हम इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। गोश्त को मैंने अदरक लहसुन के साथ भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे फाइनल इंग्रेडिएंट, जो कि है लाल मिर्च पाउडर। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मिर्ची कितनी खाते हैं, उस हिसाब से आप मिर्ची शामिल करें। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाली है। हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि मिर्ची हमने शामिल की है तो मिर्ची जलनी नहीं चाहिए, और मिर्चों के साथ हम गोश्त को फ्राई करेंगे। बस 1 से 2 मिनट हम मिर्चों के साथ गोश्त को फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना मिर्चें जल जाएगी। आप देख सकते हैं इसका जो रंग है, इस तरह खूबसूरत लाल रंग का ये तैयार होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। हैदराबादी कड़क तला हुआ गोश्त आप सर्व कीजिए हैदराबादी खट्टी दाल के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। अब मैं कर देती हूँ चूल्हे को ऑफ।
हमारा हैदराबादी कड़क तला हुआ गोश्त बनकर तैयार है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।